हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। आ हा हा, मैं धनी हो गया, मैं तो धनी हो गया। ओहो, और अधिक आनंद तो तब आएगा जब श्रीधर भंडारा नहीं करा सकेगा। संपूर्ण गांव का विश्वास उससे उठ जाएगा, और यदि कोई चमत्कार हुआ भी तो भैरव स्वयं आकर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। आहा, इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। माँ देखिए ना, ये वस्त्र फट गया है। मैं इस वस्त्र में श्रीधर काका के भंडारे में नहीं जाऊंगा। हैं? इस वस्त्र में जाऊंगा श्रीधर काका के यहाँ, इसमें नहीं। अरे इसे फेंको मत, किसी निर्धन के काम आएगी। क्षमा याचना की आपने श्रीधर भैया से? क्षमा मांगूंगा, और मैं उस श्रीधर से, उससे क्या लाभ होगा भला? देखो जिस कार्य से गया था उससे मैं क्या लेकर के आया हूँ। ये तो वही स्वर्ण मुद्रा है जो कभी भी कालिक में बदल सकती है। तभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो लल्ला जी, जब भी मुख खोलते हो कीचड़ ही निकलता है, कुछ भी ओझल नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। इस घर का अच्छा चाहते हैं ना आप, तो श्रीधर भैया के यहाँ भंडारे में चलिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। मैं अपने हाथों से अपने मुख पर कालिक पोत लूंगा, किंतु उस श्रीधर के घर नहीं जाऊंगा और ना तुम दोनों को जाने दूंगा। नैन सुख जी, प्रणाम। प्रणाम भाभी। नैन सुख जी मेरे वरिष्ठ हैं, उन्हें भंडारे के लिए निमंत्रण देना मेरा कर्तव्य है। श्रीधर काका, मैं अभी बापू को बुला के लाता हूँ। बापू, आपको श्रीधर काका बुला रहे हैं। जाओ, जाकर कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। काका, बापू ने तो कहा कि उनसे बोल दो कि वो घर पे नहीं है। ये सदा मुझे झूठा क्यों प्रमाणित करता रहता है? नैन सुख जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं। यदि आप मेरे घर भंडारे पर आएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बंद करो ये दिखावा श्रीधर, बंद करो। भंडारे के लिए भोज कराना होता है, और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है इतना ज्ञात है मुझे। तो तुम्हारे इस ढोंग में खाली पत्तल के सामने बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। खाली पत्तल क्यों होंगे, अवश्य पकवान बनेंगे। कर्म कर्म शीरा होगा, है ना काका? हाँ होगा, सब होगा, माता की कृपा हुई तो। फिर तो माता की कृपा होगी तो केसर वाली खीर भी होगी, और मेवा के साथ साथ पके हुए सुगंधित चावल भी होंगे, है ना श्रीधर काका? माता की कृपा से ये सब कुछ होगा। अच्छा, बापू आए चाहे न आए, मैं और मेरी माँ अवश्य आएंगे काका। नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं होगा। श्रीधर, स्वयं को और गांव वालों को मूर्ख बनाना बंद करो। इनके कहे का बुरा मत मानिए श्रीधर भैया, हम वहां अवश्य होंगे। जय माता की। श्रीधर के पास चावल के दाने के सिवाय बस उनका विश्वास था, जिसके बल पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दे दिया था। माता ने चाह तो उनके आशीर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गांव के लिए। बस माता रानी पर विश्वास रखो, संभव है ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो। सहायता तो उन्हीं से मांगनी चाहिए जो सक्षम हो, और माता रानी से अधिक सक्षम और समर्थ भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। मैं तो बस माता रानी के आगे अपनी झोली फैलाऊंगा। श्री
श्रीराम। प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। चलिए जय माता की। जय माता की। बोला भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता रानी का भंडारा है, उसके आयोजन में आपकी सहायता करने आए हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर यही समझ लो, माता रानी की कृपा से ही हम सभी यहाँ आए हैं, उन्होंने ही हमें भेजा है। अब तो आप हमारी सहायता स्वीकार करेंगे। देखा सुलोचना, तुम व्यर्थ चिंता कर रही थी। माता रानी की पूजा आरंभ हुई और उन्होंने सहायता भेज दी। अब भला मैं कौन होता हूँ माता रानी की इच्छा में बाधा डालने वाला। जय माता की। जय माता की। आइए आइए आइए। अब हमें आज्ञा दें। जय माता की। जय माता की। तो क्या क्या हो क्या रहा वहां? देखो तो सही। ये कैसे हुआ? कब हुआ? चमत्कार, वही है ये चमत्कार। आरंभ हो गया, किंतु ये भैरव कहाँ है? नकारात्मक और दुष्टता के भाव का आभास क्यों हुआ इसे देखकर? दिव्यता का आभास क्यों हुआ मुझे? क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? ये कौन था जिसके इतना विशेष होने का अनुभव हुआ मुझे? अवश्य ये भी उसी दिव्य अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। Thank you.
ये व्यक्ति अवश्य ही किसी कुटिल मनसा से पहुंचा है वहां। मुझे शीघ्र माता को सूचित करना चाहिए। माता, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था, मैं सदा आपका कवच बन के रहूंगा। माता, आप इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं जाके ज्ञात कर सकूं कि वो क्या चाहता है। और माता, यदि वो अधर्म करना चाहता है तो मैं उसका अंत कर दूंगा। समय आने पर आप उसका सामना भी कर लीजिएगा, श्री राम भक्त महाबली हनुमान। किंतु अभी श्रीधर पूर्ण विश्वास से मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए, आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या होगा अब, अतिथि भी आने लगे। आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुलोचना, अतिथि आ रहे हैं? आप किन विचारों में खोई हुई हैं? आइए बैठिए। सुलोचना, इनका स्वागत कीजिए, पतल बिछाइए, जल दीजिए। स्वामी, पतल तो बिछा देंगे, पहले भोजन की भी तो कुछ व्यवस्था करनी होगी ना। अन्यथा खाली पतल से लौटाया तो सभी को लगेगा हमने उनका उपहास किया है। सुलोचना, धीरज रखो। आइए बैठिए। धीरज रखो, माता रानी अवश्य कोई उपाय करेंगे। जय माता की। बैठिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी माता रानी के प्रति निष्ठा लेकर आया है वो भूखा नहीं लौटेगा। आइए बैठिए। जग हंसाई तो होगी ही, श्रीधर को इस ढोंग का फल भी भुगतना पड़ेगा। दूसरों की फल की चिंता करते रहोगे नयन सुख जी, तो स्वयं का कोई फल कैसे मिलेगा? नहीं नहीं, नहीं जाओगे तुम दोनों, वहां नहीं जाओगे। भंडारे का दिखावा मात्र है। यदि हम में से वहां पर कोई उपस्थित हुआ तो लोग श्रीधर को मुझसे बड़ा पंडित समझेंगे और मैं नाकारा हो जाऊंगा। इसलिए मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा वहां पर। मां, पिताजी आपको आदेश दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझा रहा हूं भाग्यवान, समझा रहा हूं। तुम कैसे जा सकती हो भाग्यवान? उस दोस्त ने बार बार नीचा दिखाया है मुझे। अच्छा, तो आप नहीं आएंगे तो भूल जाइए शीरा राजमा, मेवा से बने चावल। कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहां। अन्यथा उसकी सुगंध तो आ जाती। खाना पकता है तो आधा स्वाद तो उसके सुगंध से ही आ जाता है। यदि जाने का हट कर ही रही हो तो जाओ, किंतु मेरे मृत शरीर को पार करके जाओ। मां, ये लो। आपको यहीं रहना है तो रहिए, किंतु खाली पेट रहना होगा। हम तो वहां पर पेट भर कर आएंगे। या फिर अपना भोजन स्वयं बना लीजिए। चलो लल्ला। सुलोचना, मैं तो वही कहूंगा जो सदा कहता हूं, माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। श्रीधर जी, और कितनी देर लगेगी?
जल तो मिल गया श्रीधर जी, अब भोजन कब मिलेगा? सुलोचना भाभी, कब तक जल से हम संतोष करेंगे, या फिर आज जल से ही पेट भरेंगे? नहीं नहीं, बस थोड़ी देर में भोजन भी लगेगा। स्वामी, अब तो सभी भोजन मांग रहे हैं, क्या करें? चिंता मत करो प्रिया, माता रानी पर विश्वास रखो। शक्ति आएगी, इसकी सहायता के लिए आएगी, किंतु वापस नहीं जा पाएगी, मेरी सहायक बनेगी। वो स्वामी जी भी वहां पहुंच गए, तो मुझे भी किसी प्रकार वहां पहुंचना चाहिए। यदि चमत्कार हुआ तो मुझसे छिपा नहीं रहना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो लोग इन दोनों की निंदा करेंगे और मेरा मान बढ़ेगा। किंतु मुझे वहां सभी ने देखा तो श्रीधर बड़ा और मैं छोटा हो जाऊंगा, सब श्रीधर की वाहवाही करेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कदापि होने नहीं दूंगा। मिल गया उपाय। अच्छा है यहां निकट पे नहीं बैठे ये दोनों, अन्यथा कहीं पहचान जाते मुझे। माँ, बापू की मति मारी गई है, ये सदा से ही ऐसे बुद्धिहीन थे, आज बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, अपने अहंकार का ही स्वाद लेंगे आज, और हम स्वादिष्ट भोजन का। ओहो, ये दोनों तो यही बैठे हैं, मुझे अपना स्थान बदलना चाहिए। रुकिए, बैठ जाइए, भूखे मत लौटिए, हम अभी भोजन लगाएंगे। लगता है श्रीधर जी ने हमारा समय व्यर्थ करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। हाँ श्रीधर, अब भोजन नहीं परोसा ना तो हम सब लोग उठकर चले जाएंगे। बड़ा अपमान होगा हमारा, गांव में रह नहीं सकेंगे हम। वाह, आनंद आएगा, इनका अपमान देखने में तो बहुत आनंद आएगा। अब होगा चमत्कार। ये वो परिस्थिति है जब भक्ति के अटूट होने का परिचय मिलेगा। सबसे कोमल क्षण है जब विश्वास को साथ साधना सबसे कठिन होता है। भोज के लिए पूरा गांव बैठा हो, घर में चावल का बस एक दाना हो, और विश्वास को छोड़कर और कोई आस ना हो, तो किसी का भी विश्वास टूट सकता था। किंतु श्रीधर साधारण भक्त नहीं थे, उन्होंने अपना विश्वास अटूट रखा। माता रानी, आज हमारे विश्वास की परीक्षा है, हमें सफल करना। माँ, भोग के लिए पत्तल बांट दिए हैं। श्रीधर जी, पत्तल ही बटेंगे आज या भोजन भी मिलेगा? श्रीधर जी, भोजन बनवाया है ना? अब विलंब मत करो माता रानी, हमारी लाज रखो। अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। समय और अवसर दोनों निकट हैं, मेरा समय अब आ गया है।
माँ माता रानी उनका आभास हो रहा है मुझे कार्य की सफलता व्यक्ति के धैर्य विश्वास और सच्चाई पर निर्भर करती है पुत्र श्रीधर भोजन के पात्र कहाँ है पुत्र चलो पुत्र उन्हें उनका प्रिय भोजन कराना है।